हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैं हूं अमन ठाकुर और आज हम करने वाले हैं आई थर्टी एट जनरल इंश्योरेंस का चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर जो कि है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रीमियम रेटिंग इसमें हम करेंगे बेसिक्स ऑफ अंडर राइटिंग एंड रेट मेकिंग के बारे में और जो टॉपिक्स कवर होंगे वो हैं अंडर बेसिक्स रेट मेकिंग बेसिक्स रेटिंग फैक्टर्स एंड सम इंश्योर्ड तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर की सो अंडर राइटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर रिस्क ऑफर्ड फॉर इंश्योरेंस इज एक्सेप्टेबल एंड इफ सो एट वॉट रेट टर्म्स एंड कंडीशंस द इंश्योरेंस कवर विल बी एक्सेप्टेड तो देखिए अंडर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंश्योरर ये डिसाइड करता है कि मैं इंश्योरेंस करूं या ना करूं और अगर इंश्योरेंस करने को वो मानता है कि भी मैं इंश्योरेंस कर दूंगा तो किन किस रेट पे की जाए क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगी जो वो इंश्योरेंस के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगा और इंश्योर्ड को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेगा तो इस पूरे प्रोसेस को अंडर कहा जाता है और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको करने वाले ऑफिसर को हम अंडर कहते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग रिस्क एंड डिसाइडिंग इन टू विच कैटेगरी दे फॉल इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेट मेकिंग अब देखिए जब अंडर राइटिंग प्रोसेस होता है तो उसमें रिस्क को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज़ किया जाता है तो अब ये रिस्क को क्लासिफाई करने का जो प्रोसेस है और उसके बाद ये डिसाइड करना कि ये कौन सी रिस्क कैटेगरी में पड़ेगा ये सारा एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है और ये रेट मेकिंग के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है तो नेक्स्ट है रेट इज़ द प्राइस ऑफ अ गिवन यूनिट ऑफ इंश्योरेंस अब देखिए जो एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ इंश्योरेंस है उसके लिए जो एक प्राइस सेट किया जाता है उसे रेट कहा गया है नेक्स्ट है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ़ रेट मेकिंग इज टू इंश्योर दैट प्राइस ऑफ इंश्योरेंस शुड बी एडिक्वेट एंड रीजनेबल तो देखिए जो रेट मेकिंग प्रोसेस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो इंश्योरेंस का प्राइस डिसाइड किया गया है वो एडिक्वेट हो और रीजनेबल हो मतलब सही होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए जो भी इंश्योरेंस का प्राइस इंश्योरर, इंश्योरर इंश्योर्ड से लेगा तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए उचित होना चाहिए यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है रेट मेकिंग में नेक्स्ट हम बात करेंगे प्योर प्रीमियम की सो so, प्योर प्रीमियम इज़ सुटेबली लोडेड और इंक्रीज्ड

उसका अपना प्रॉफिट जो उसके खर्चे हैं या और जो रिज़र्व प्राइजेज वगैरह रहते हैं वो सभी उस प्योर प्रीमियम में ऐड किया जाता है इसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है द टर्म हैज़र्ड इन इंश्योरेंस रेफर्स टू दोज कंडीशंस विच क्रिएट और इंक्रीज द ऑफ लॉस तो देखिए हैज़र्ड जिसे कि हम जोखिम भी कह सकते हैं ये इंश्योरेंस में एक ऐसी कंडीशन है जो बेसिकली जो लॉस हुआ है या लॉस होने की जो संभावना है उसको बढ़ा देता है उसे हम हैज़र्ड कहते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोजिंग डिडक्टिबल और एक्सेस क्लॉजेस इज़ टू एलिमिनेट स्मॉल क्लेम्स देखिए जो डिडक्टेबल uh, या एक्सेस क्लॉज हैं उनको डालने का मेन मोटिव क्या रहता है स्मॉल क्लेम्स को एलिमिनेट करना नेक्स्ट है नो क्लेम बोनस इज़ अ पावरफुल स्ट्रैटी टू इम्प्रूव अंडर राइटिंग एक्सपीरियंस एंड फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रेटिंग सिस्टम तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं नो क्लेम बोनस की नो क्लेम बोनस का मतलब होता है अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई अब हम जानते हैं कि जो जनरल इंश्योरेंस है मोटर इंश्योरेंस है वो एक एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस एक साल में हमारी गाड़ी के साथ कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होती है और हमने कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो नेक्स्ट ईयर जब हम अपने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाएंगे तो उससे हमें एक बेनिफिट मिलेगा उसे हम नो क्लेम बोनस कहते हैं तो अब इस पॉइंट में यही हमें दर्शाया गया है कि जो नो क्लेम बोनस है ये एक इम्पॉर्टेंट और पावरफुल स्ट्रेटजी होती है जिससे कि अंडर को इम्प्रूव किया जा सकता है बेटर वे में यूज़ किया जा सकता है और ये रेटिंग सिस्टम में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेक्स्ट हम बात करेंगे सम इंश्योर्ड की तो सम इंश्योर्ड इज़ मैक्सिमम अमाउंट दैट एन इंश्योरेंस कंपनी विल इंडेमनीफाई एज पर पॉलिसी कंडीशन तो देखिए सम इंश्योर्ड का मतलब होता है कि जब कोई भी पॉलिसी करवाई जाती है तो जो मैक्सिमम कवरेज उस पॉलिसी पर मिलेगी उस कवरेज को सम इंश्योर्ड कहा जाता है तो ये किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है ये इंश्योरर के द्वारा या कंपनी के द्वारा जिसको हम इंश्योरेंस कंपनी कह सकते हैं उसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ द प्राइस ऑफ अ गिवन यूनिट ऑफ इंश्योरेंस आपको बताना है कि जो भी गिवन यूनिट ऑफ इंश्योरेंस होगी उसके प्राइस को क्या कहते हैं सो द ऑप्शन आर रेट प्रीमियम सम अशोर्ड एंड बोनस तो देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर हम यूनिट ऑफ इंश्योरेंस की बात करें और उसके प्राइस की बात करें तो उसे हम कहते हैं रेट तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट एन इंश्योरेंस कंपनी विल इंडेमनीफाई टू समन हु फाइल्स अ क्लेम तो आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति क्लेम के लिए अप्लाई करता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जो इंश्योरेंस कंपनी उसे देने के लिए वचनबद्ध है तो उसे हम क्या कहते हैं तो ऑप्शंस हैं सम इंश्योर्ड प्रीमियम राइडर एंड बेनिफिट्स तो देखिए उस वैल्यू को या उस अमाउंट को हम कहते हैं सम इंश्योर्ड तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द अंडर राइटर आपको बताना है कि जो नीचे दी गई ऑप्शनस हैं उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि अंडर राइटर के लिए किसी इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं हो सकती है तो ऑप्शंस हैं एनुअल अकाउंट्स ऑफ प्रपोजर प्री एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क सर्वे ऑफ द असेट प्रपोजल फॉर्म एंड लास्ट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरर। तो देखिए इसमें एनुअल अकाउंट्स ऑफ प्रपोजर जो है ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है प्री एक्सेप्टेंस रिस्क सर्वे ऑफ द असेट ये भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है प्रपोजल फॉर्म तो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता ही है पर जो फोर्थ ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरर ये अंडर राइटर के किसी काम का नहीं है यानी कि अंडर राइटिंग प्रोसेस में तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन फोर होगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैजर्ड्स आर चार ऑप्शन दी गई हैं आपको बताना है कि जो हैज़र्ड्स हैं उनसे ये चारों में से कौन सी ऑप्शन जो है वो रिलेट करती है तो पढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन है फैक्टर्स दैट इंक्रीज़ द इम्पैक्ट ऑफ लॉसेस नेक्स्ट है फैक्टर्स दैट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉस नेक्स्ट है फैक्टर्स दैट इंक्रीज़ द इम्पैक्ट एंड सेवरिटी ऑफ लॉसेस और फोर्थ ऑप्शन कह रही है फैक्टर्स दैट इंक्रीज द इम्पैक्ट एंड सेवरिटी ऑफ़ लॉसेस तो देखिए हैजर्ड हैजर्ड एक ऐसी कंडीशन रहती है जो लॉस या फिर नुकसान होने की जो संभावना है उसको बढ़ा देता है तो इस कंडीशन के हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि जो हैजर्ड्स हैं दे, दे आर द दे फैक्टर्स दैट इंक्रीज द इम्पैक्ट एंड सेवरिटी ऑफ लॉसेस अर्थात कि वो एक तो जो लॉस है उसके होने की संभावना और जो उसका इम्पैक्ट है उन दोनों को बढ़ा देता है तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कुछ ऑप्शन हैं और पूछा गया है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है तो देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में चेक करते हैं फिजिकल हैजर्ड्स चार ऑप्शंस हैं चुनना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है फर्स्ट है आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर रेट मेकिंग नेक्स्ट है कैन नॉट बी असर्टेंट नेक्स्ट है कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस शीट और लास्ट ऑप्शन कह रही है कैन बी असर्टेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रपोजल फॉर्म तो देखिए फिजिकल हैज़र्ड जो है इसके लिए जो बिल्कुल सही ऑप्शन आएगी वो होगी ऑप्शन नंबर फोर क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि असर्टन है और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रपोजल फॉर्म में दी होनी चाहिए तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर चार नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोटर इंश्योरेंस वन ऑफ द वारंटीज़ इज़ आपको बताना है कि मोटर इंश्योरेंस में जो नीचे दी गई ऑप्शन हैं उनमें से एक जो है वो वारंटी वाली कंडीशन है और वो कौन सी ऑप्शन है पहली ऑप्शन है व्हीकल शुड बी वॉश्ड डेली यानी कि व्हीकल को डेली साफ़ किया जाना चाहिए नेक्स्ट है व्हीकल शुड नॉट बी यूज फॉर स्पीड टेस्टिंग यानी कि व्हीकल को स्पीड टेस्टिंग के लिए यूज़ नहीं किया गया है व्हीकल शुड नॉट बी यूज फॉर कैरिंग लगेज फॉर पर्सनल यूज़ के व्हीकल को लगेज वगैरह कैरी करने के लिए पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ किया जाना चाहिए और लास्ट ऑप्शन कह रही है व्हीकल शुड नॉट बी रन मोर देन टू हंड्रेड किलोमीटर पर डे यानी कि जो आपका व्हीकल है वो डेली दो दो सौ किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला होना चाहिए तो देखिए वारंटीज़ में जो कंडीशन आएगी वो होगी ऑप्शन नंबर टू दैट मीन्स व्हीकल शुड नॉट बी यूज फॉर स्पीड टेस्टिंग नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ डिडक्टेबल क्लॉज इज टू आपको बताना है कि डिडक्टेबल क्लॉज जो इंश्योरेंस में रहता है उसका मेन पर्पस क्या होता है तो देखिए अभी हम पीछे से पढ़ के आए हैं चलिए पहले ऑप्शंस देखते हैं टू अवॉइड क्लेम पेमेंट टू एलिमिनेट पेमेंट ऑफ स्मॉल क्लेम्स टू हरास द पॉलिसी होल्डर एंड टू इंक्रीज द प्रीमियम तो देखिए जैसे कि हमने अभी बात की थी कि मेन पर्पज जो है डिडक्टेबल क्लॉज का उसका जो मेन पर्पज रहता है वो होता है टू एलिमिनेट द पेमेंट ऑफ स्मॉल क्लेम्स तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू नैक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम इन द प्रेमिस आपको बताना है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में कोई स्प्रिंकलर इंस्टॉल करवाते हैं जैसे कि वाटर स्प्रिंकलर इंस्टॉल करवाते हैं तो नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी सुटेबल आएगी इस क्वेश्चन के लिए इंक्रीज द रिस्क डिक्रीज़ द रिस्क नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज द रिस्क एंड इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ हुडिंग अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में अपने प्रेमिसज में वाटर स्प्रिंकलर लगवाते हैं तो फायर का जो रिस्क है ऐसे केसेस में वो कम हो जाता है मींस अगर फायर लग जाए तो उसको बुझाने में हेल्प रहेगी तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू दैट मीन्स डिक्रीज द रिस्क नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड द वैल्यू इन मोटर इंश्योरेंस इंक्लूड्स अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इंश्योर्ड मोटर इंश्योरेंस में जो भी वैल्यू डिक्लेयर करता है उसमें क्या आएगा सो द ऑप्शन आर रजिस्ट्रेशन मैनुफैक्चरर्स कॉस्ट प्राइज़ मैनुफैक्चरर्स सेलिंग प्राइस एंड आर्बिट्ररी प्राइज कॉम्पोनेंट तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इंश्योर्ड है जब वो मोटर इंश्योरेंस में जो भी वैल्यू है डिक्लेयर करता है तो उसमें क्या आएगा तो देखिए इसमें जो राइट right आंसर आएगा वो आएगा मैनुफैक्चरर्स सेलिंग प्राइस तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थ्री अब लास्ट में आप लोगों के लिए है बोनस क्वेश्चन जिसको आपने ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर मुझे फटाफट -फड़ से कमेंट करके बताना है सो so क्वेश्चन है डैश डिसाइड्स वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट द रिस्क तो ऑप्शंस पढ़िए और फटाफट से इसका आंसर मुझे बताइए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक